Sore throat या pharyngitis. One of the commonest ENT problem is a sore throat. Sore throat को medical terminology में हम pharyngitis कहते हैं because throat को pharynx कहते हैं. Sore throat या pharyngitis कुछ common causes की वजह से होता है. सबसे पहले allergy, यानी कि आपने कुछ खाया पिया और उसकी allergy हो गई. दूसरा है inflammation, कि आपने बहुत ही कोई स्पाइसी या गर्म कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे गले में इन्फ्लेमेशन या ट्रोमा हो गया. तीसरा है रिफ्लक्स, यानी कि पेट या एसिड का कंटेंट कभी कभी मुंह में आके रिफ्लक्स की वजह से फेरेंजाइटिस करता है. और चौथा है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से और कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी फेरेंजाइटिस होता है. इन वजहों में अगर हम पहली वजह लें वो है एलर्जी. काफ़ी बार हमको कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है और उस एलर्जी की वजह से गले में फेरेंजाइटिस हो जाता है. ये तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है. हर एक इंसान का अपना अपना एलर्जी स्टेटस अलग होता है. अगर हमें शक हो कि एलर्जी की वजह से बार बार गला ख़राब हो रहा है तो हम टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है और फिर अवॉइडेंस करके हम इससे बच सकते हैं. दूसरा है इन्फ्लेमेशन, जिसमें कोई भी गर्म या बहुत ही स्पाइसी चीज़ गले में लगती है और उससे गले में चोट होती है, उससे गले में अल्सर्स हो सकते हैं और उससे गला ख़राब भी हो सकता है. बहुत सालों से हमने ये जाना है कि रिफ्लक्स यानी कि एसिड कंटेंट गले में आके गले को ख़राब कर सकता है. इसकी एसिड रिफ्लक्स की सिम्टम्स को हम LPR कहते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लैरिंगोफेरिंजल रिफ्लक्स समझते हैं. और चौथी बात है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में ज़्यादातर गले की इन्फेक्शन वायरल होती हैं. कभी कभी प्राइमरीली या वायरल इन्फेक्शन को सेकेंडरली बैक्टीरिया इन्फेक्ट करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है. तो सबसे पहली बात तो ये रही कि सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस के इतने ज़्यादा कारण हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक छोटा सा कारण है. इसलिए इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक ले लेना कि मेरा गला ख़राब था मैंने ये एंटीबायोटिक ले लिया, कि मैं केमिस्ट के पास गया उसने ये दवाई दे दी, इस तरह से इस बीमारी का इलाज नहीं करना है. सोर थ्रोट के सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले होता है गले में खारिश होना, यानी कि आपका मन करता है कि मैं बार बार अपना गला क्लियर करूँ. दूसरी बात है, अगर ये ज़्यादा सीरियस हुआ तो गले में दर्द हो सकता है. गले में दर्द उस जगह पर होगा जहाँ पर अल्सर है या जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा है. तीसरी बात, अगर इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस है तो आपको बुखार और बदन में दर्द हो सकता है. मैलेज एंड बॉडी एक इज़ पार्ट ऑफ एन इन्फेक्टिव फेरेंजाइटिस. फेरेंजाइटिस की वजह से कभी कभी खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, या तो फूड स्वॉलोइंग में परेशानी है या फूड स्वॉलो करने के टाइम पेन होता है, जिसको हम ओडिनोफेजिया कहते हैं, पेन वाइल स्वॉलोइंग. अगर फेरेंजाइटिस आपका बढ़ जाता है और लैरिंग्स की तरफ चले जाता है तो आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़ा होर्सनेस भी हो सकता है. फेरेंजाइटिस अगर और बिगड़ जाए तो आपको खांसी भी आ सकती है, क्योंकि ये एलर्जी या इन्फेक्शन आपके गले से लैरिंग्स होते हुए ट्रेकिया तक या फेफड़ों तक भी पहुंच सकती है. हमने ये कॉन्सेप्ट जाना है, वन एयरवे वन डिजीज़, यानी कि नाक और गले की बीमारी आपके लैरिंग्स ट्रेकिया और फेफड़ों तक जा सकती है, क्योंकि वो एयरवे एक ही है. वही चीज़ जो आप नाक से लेते हो वो गले में होते हुए लैरिंग्स से पास करती हुई ट्रेकिया में पहुंचती है और ट्रेकिया से ट्रिकल करके आपके लंग्स में पहुंचती है. तो एयरवे सेम है, एक की बीमारी दूसरे साइड पे भी लग सकती है. फेरेंजाइटिस का इलाज क्या है? फेरेंजाइटिस का सबसे पहला और ज़रूरी इलाज है अवॉइडेंस. जो चीज़ आपको ये तकलीफ़ दे रही है, अगर आप ज़्यादा अचार खाते हो, स्पाइसी खाना खाते हो, आइस्ड ड्रिंक्स लेते हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या सोडा लेते हो बर्फ़ डाल के, जिससे आपका गला ख़राब होता है, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है. काफ़ी बार पेशेंट परेशान होते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा हूँ और बाकी सब अपने ड्रिंक में बर्फ़ लेते हैं, बाकी सब ठंडा पानी पीते हैं, मुझको पीते ही गला ख़राब हो जाता है, दिस इज़ नॉट फेयर. लेकिन ये ऐसा ही है. अगर किसी चीज़ से आपके गले में एलर्जी है और आपको समझ आ गया किस चीज़ से आपको गला ख़राब होता है, तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है.
दूसरी बात है सिंपल मेडिकेशन। सिंपल मेडिकेशन में अगर आपका गला थोड़ा सा सोर है या गले में थोड़ी खारिश है, आप नमक पानी के साथ गरारे कर सकते हो, पोविडोन आयोडीन के साथ गरारे कर सकते हो, और उससे आपका गला सूद हो जाएगा और आप बेटर फील करोगे। थर्ड ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी इज सिंपल एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। अगर ज़रूरी है और ख़ासकर अगर डॉक्टर देख के लिखता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपके एलर्जी के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। अगर एसिडिटी और रिफ्लक्स के लिए आपका गला ख़राब हो रहा है तो उसकी भी सिंपल दवाइयाँ अवेलेबल हैं। खुद ना लें, डॉक्टर को डायग्नोज करने दें। जब वो देख के बताएंगे आपको कि आपका गला ख़राब या फेरेंजाइटिस रिफ्लक्स की वजह से है, तभी दवाई लें। वायरल इन्फेक्शन में भी केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। कभी कभी थ्रोट स्वाब लेके अगर हमें पता चला कि कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया है जिसके लिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, तो थ्रोट स्वाब के मुताबिक जो नेसेसरी एंटीबायोटिक है वो आपका डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सिंपल सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर ये ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली दिस इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम एंड बाय अवॉइडेंस एंड जस्ट सिंपल होम रेमेडीज वन कैन यूजुअली स्टे आउट ऑफ ट्रबल। कभी कभी सोर थ्रोट एक खतरनाक बीमारी की निशानी भी हो सकती है। उसके ये हैं लक्षण, अगर आपका गले में एक जगह पे दर्द है जो नहीं जा रहा, अगर आपके मुंह से थूक में खून आता है, अगर आपके गला ख़राब की वजह से आपके गर्दन में या नेक में कोई स्वेलिंग आई है, अगर आप स्मोकर हो और स्मोकिंग के साथ अल्कोहल भी लेते हो तो आप हाई रिस्क हो, और आपका गले का ये सोर थ्रोट कभी कभी मेलिग्नेंसी भी हो सकता है, इसका हमने ध्यान रखना है। अगर परसिस्टेंट सिम्टम है जैसे मैंने बताया, तो ज़रूर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो इसको डायग्नोज करके आपका इलाज शुरू कर सकें। सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस एक बहुत ही कॉमन और सिंपल प्रॉब्लम है। इसको हम जांच करके पता कर सकते हैं आपको गले में क्या खराबी है, इसका सिंपल सा इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं, और आपको कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करने से अगर आपका गला सेफ रहता है तो आपको वही करना ज़रूरी है।